IR spectroscopy, which radiation is important? Infrared, right? So, जब हम किसी मॉलिक्यूल पे इंफ्रारेड रेडिएशन फिर रेडिएट करते हैं तो क्या होता है बताइए? Which transition takes place? Vibrational transition takes place. Vibrational energy level change takes place. So, vibrational energy level change का क्या मतलब है? Molecule get excited from lower vibrational to lower vibrational level higher vibrational level. Right? जैसे हमने बात की थी कि ना मॉलिक्यूल यू हैव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल E1, E2 एंड सो ऑन एंड दीज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर एसोसिएटेड विद दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल U1, U2 सिमिलरली हायर के हो जाएगा U1 डैश U2 डैश राइट अलोंग विद दीज वाइब्रेशनल वी हैव रोटेशनल एनर्जी राइट जब हम किसी मॉलिक्यूल पे किसी मॉलिक्यूल पे हम क्या करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन फिर रेडिएट करते हैं देयर विल बी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कौन सी ट्रांजिशन होंगी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ये देखिए इसमें हमने दिखाया है न्यू वन न्यू टू ये है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जब हमने इंफ्रारेड डाली तो ट्रांजिशन हुई लोअर वाइब्रेशनल टू हायर वाइब्रेशनल राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जैसे हमने यूवी में बात की थी कि यूवी कहां से कहां तक होता है 200 से 800 नैनोमीटर फॉर वाइब्रेशनल वी हैव सॉरी फॉर इंफ्रारेड वी हैव 25 सेंटीमीटर इनवर्स टू 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तो आईआर की रेंज कितनी है 25 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स फर्दर इसको जैसे हमने यूवी में डिवाइड किया था फार यूवी मिड यूवी और नियर यूवी सिमिलरली वी विल डिवाइड द स्पेक्ट्रम इन नियर आईआर फार आईआर और मिड आईआर सो 25 से 400 का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड फार आईआर और 400 से लेके 4000 का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मिड आईआर और 4000 से 12500 का जो रीजन है इसको बोलते हैं नियर आईआर इस वैल्यू को अंडरस्टैंड करने का या याद करने का तरीका आपको बताया था जो छोटी वैल्यू है दैट इज फार और जो बड़ी वैल्यू है दैट इज नियर 4000 से 12500 बड़ी वैल्यू है वो होगी नियर जो छोटी वैल्यू है दैट इज फार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा रीजन पढ़ते हैं हम 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का समझ में आ रहा है बेटा तो अब हम बात करेंगे इस 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स वाले रीजन का 400 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स 400 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 400 से लेके 1500 1500 से लेके 4000 के बीच में जो 400 से लेके 1500 का रीजन है इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन क्या बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन कितना है फिंगरप्रिंट रीजन 400 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और 1500 से लेके 4000 का जो रीजन बना इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या बोलेंगे बेटा इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन इन सम बुक यू मे फाइंड दिस वैल्यू एज 14
1300 400 से लेके 1400 400 से लेके 1300 हमने जो है इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली 1500 राइट। तो कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 400 से 1300 मिले, 400 से 1200 मिले, 400 से 1400 मिले राइट। और इसको हमने जनरलाइज कर दिया 400 से 1500, 1500 से लेके 4000 के बीच, ठीक है। 400 से 1500 वाला रीजन क्या कहलाया? फिंगरप्रिंट रीजन। और 1500 से लेके 4000 वाला कहलाया फंक्शनल राइट। तो जैसे कि फिंगरप्रिंट का क्या मतलब होता है, टू ह्यूमंस कैन नॉट हैव सेम फिंगरप्रिंट, दो अलग अलग इंसानों का फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होता। उसी प्रकार दो अलग अलग मॉलिक्यूल का, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव पैटर्न, सेम पैटर्न इन फिंगरप्रिंट रीजन। 400 से 1500 की जो पीक्स आएंगी वो हर मॉलिक्यूल की यूनिक होगी। क्या कहते हैं हम, जैसे दो अलग अलग इंसानों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, उसी तरह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होगा। यानी इस रीजन में जो पीक्स आपको दिखेंगी वो क्या होंगी, अलग होंगी। दूसरा रीजन कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स lies in this region. अगर 100 से लेके 4000 वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हाइड्रोक्सी हुआ, OH फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, अमाइड ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये सारे किस में आएंगे, 1500 से लेके 4000 के आसपास राइट। अब एक सवाल उठता है कि एक तो क्वेश्चन बना कि why fingerprint is not generally studied, which region is generally studied, 1500 से लेके 4000 वाला है। फिंगरप्रिंट को हम generally study नहीं करते, why fingerprint region is not generally studied, उसको हम generally study नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अगर हम IR स्पेक्ट्रम देखें किसी मॉलिक्यूल का, तो IR स्पेक्ट्रम लुक लाइक दिस। राइट? सो इट स्टार्टेड विद 400 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख सकते हैं 1500 से लेके 4000 वाली जो रीजन है उसमें गिनी चुनी पीक्स हैं, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, है ना। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 3300 के आसपास कोई पीक आ रही, यहाँ पे हम मान सकते हैं ये 2100-2200 के आसपास कोई पीक आ रही राइट। इसी तरह से ये 1700 के आसपास कोई पीक आ रही है। तो इस रीजन में क्या है, गिनी चुनी पीक है, इसको आप आसानी से स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिंगरप्रिंट रीजन को देखो, 400 से 1500 वाला देखो, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। व्हाई कॉम्प्लेक्स? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीक्स। और वो पीक्स कहाँ से आती है? पीक्स अराइज फ्रॉम बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए, अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो जो IR इसमें फिंगरप्रिंट में जो पीक आती है वो किसकी वजह से आती है, कौन सी वाइब्रेशंस की वजह से आती है? बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से आती है। बेंडिंग को अभी थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो जैसे कि स्पेक्ट्रम देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स, क्यों है कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इट हैव लार्ज नंबर ऑफ पीक्स राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट जनरली स्टडीड। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, why fingerprint region is not generally studied, because it is very complex, it is very complex, why it is complex, because of large number of peaks arise from bending vibrations। इसका आंसर लिखो, क्या लिखेंगे, why fingerprint is not generally studied, इसका आंसर, because it is very complex,
is very complex because of large number of peaks arise from bending vibrations. अगला क्वेश्चन ये उठा, तो इसको हम इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर क्यों इसको फिर पढ़ा हमने, क्यों 1500 से लेकर 4000 रीजन का ही क्या क्लियर स्पेक्ट्रम ले लिया, इसको फिर हमने रिकॉर्ड ही क्यों किया, है ना भाई, हमें स्पेक्ट्रम अगर चाहिए था तो हम 1500 से 4000 के बीच में ले लेते, फिर इसको फिर क्यों रिकॉर्ड किया, इतने अगर ये बकवास है, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था, तब इसकी बात करते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन की सिग्निफिकेंस क्या रही है, क्यों इंपॉर्टेंट रहा के लिए, जनरली स्टडी नहीं करता लेकिन कई बार ये सिग्निफिकेंट होता है, तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, जो बात हमने बताई कि जैसे टू ह्यूमंस कैन नॉट हैव सेम फिंगरप्रिंट, इसी तरह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट पैटर्न एक जैसा नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लिखिए टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन नॉट हैव सेम पैटर्न इन फिंगरप्रिंट रीजन, सेम पैटर्न इन फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन क्या हुआ, दो अलग अलग कंपाउंड्स का अलग है, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं. दूसरा रीजन है, आप कह सकते हैं इट इज very unique for a molecule. It is very unique for a molecule. फिर से जहां से स्टार्ट किया था हमने, आईआर का रीजन स्टार्ट किया था हमने 25 सेंटीमीटर इनवर्स से 12500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, फर्दर उसको हमने डिवाइड कर दिया था 25 से 400 के बीच में, 400 से लेके 4000, 4000 से लेके 12500, 4000 से 12500 को हमने बोला कौन सा रीजन, नियर आईआर, राइट, और जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज 25 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 उसको हमने बोला फार आईआर, और जो बीच का रह गया दैट इज 400 टू 4000 दैट इज मिड आईआर. जनरली हम कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट होता है आईआर में, कौन सा है, मिड आईआर दैट इज 400 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो रीजन होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको फिर हमने फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, 400 टू 1500 एंड 1500 टू 4000, तो 400 से लेके 1500 वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, फिंगरप्रिंट. क्यों पढ़ते हैं फिंगरप्रिंट को, क्यों नहीं पढ़ते जनरली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है. क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दो अलग मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता. और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहा वो क्या, हमारा फंक्शनल ग्रुप, राइट, बात समझ में आ गई, तो फंक्शनल ग्रुप रीजन में जैसे कि आप देख सकते हैं गिनी चुनी पीक्स है, इट कैन बी इजीली स्टडीड, राइट. अब इस फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात करें, इसको एक्सपेंड करेंगे हम, इन 400 से लेके 4000 वाला रीजन, सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, फर्दर इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप कहां कहां लाई करेंगे, 400 ये कितना था, 1500 ना, 1500, सो 1500 टू 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, वंस अगेन दीज आर एप्रोक्सीमेट वैल्यूज,
यू कैन फाइंड प्लस माइनस समथिंग डिपेंडिंग अपॉन द लिटरेचर. कुछ कुछ बुक्स में हो सकता है ये वैल्यूज थोड़ी बहुत इधर उधर प्लस माइनस चले. सो 1500 टू 1650 के बीच में आता है नाइट्रो ग्रुप और एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो कार्बन एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला या फिर नाइट्रो ग्रुप की क्या पहचान है कि वो किसके बीच में आएगा 1500 से लेके 1650 के बीच में, राइट. फिर है 1650 से 1850 के का जो रीजन रहेगा इसमें आते हैं ऑल कार्बोनिल्स जिन फंक्शनल ग्रुप से CO ग्रुप होता है वो सारा आएगा किसमें 1650 से लेके 1850 के बीच में. समझने की कोशिश करो बेटा, ऐसे बैठने से कोई काम थोड़ी चलेगा और ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा जो समझ में ना आए. 1650 से 1850 के बीच में आएगा कौन सा कार्बोनिल. कार्बोनिल कौन कौन से होते हैं बताओ, कीटोन्स और बोलो एसिड्स, अमाइड और बोलो एल्डिहाइड्स, एस्टर्स COOR, एसिड क्लोराइड COCl. तो ये जितने भी कार्बोनिल है वो कितने में आएंगे 1650 से 1850 के बीच में. जनरली आप कह सकते हैं इफ देयर इज अ पीक एट नियर अबाउट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स यानी 1700 के आसपास अगर आपको कोई पीक दिख जाए तो आप कह सकते हैं आंख मीच के कि वो कोई एक कार्बोनिल हो सकता है, इनमें से कोई एक कार्बोनिल हो सकता है, CO बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो सकता है. उसके बाद फिर हम बात करते हैं 2100 सेंटीमीटर इनवर्स से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स पे. इसमें आती है C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N. C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N अगर 2100 से 2200 के बीच में IR स्पेक्ट्रम में कोई पीक दिख रही है तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट. इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 2900 टू 3000 इसमें होती है sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी कार्बन कौन सी है sp3. जैसे कि एल्केन्स में होती है CH4 C2H5, राइट. मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल इन सब में क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन होगा. तो उसकी पीक कितने पे आएगी 2900 से लेके 3000 के आसपास. 3000 से 3100 के बीच में आती है डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा 3000 से लेके 3100 के बीच में. 3100 से लेके 3200 के बीच में आता है 3100 से लेके 3200 के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन यानी कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आता है 3100 से लेके 3200 के आसपास. और 3200 से लेके 3600 सेंटीमीटर इनवर्स में आता है OH, NH और SH. 3200 से 3600 के बीच में OH, NH और SH. तो ये है सिग्निफिकेंस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का. वैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या चीज डिटरमाइन करते हैं, मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. तो फंक्शनल ग्रुप डिटरमिनेशन के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं. उसमें हम ये आइडिया देखेंगे कि पीक्स कितने कितने पे आ रहे हैं. अगर 1700 के आसपास कोई पीक आ रही है तो आप क्या मान के चलेंगे उसमें क्या है कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, कार्बोनिल इनमें से कोई भी एक हो सकता है. इसी तरह से अगर 2100 से 2200 के आसपास कोई पीक आ रही है तो आप कह सकते हैं उसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, CC या C ट्रिपल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड N. इसी तरह से अगर 3200 से 3600 के आसपास कोई पीक आ रही है तो OH, NH और SH ग्रुप हो सकता है, ठीक है. जैसे ये कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH2 या ये मान लो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मान लो,
बताइए इसमें कौन सा एक पीक बताओ, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक पीक बताओ, 1500 से 1650 के बीच में नाइट्रो की वजह से आएगी और एरोमेटिक रीजन की वजह से आएगी, कार्बन हाइड्रोजन है एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन, और क्या आएगी 2500 से लेकर 3600 के बीच में OH की वजह से भी आएगी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर देख के और अगर आपके IR स्पेक्ट्रम में 3200 से 3600 के आसपास अगर OH की पीक है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हो सकता है, और अगर नहीं है ये मॉलिक्यूल नहीं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें 3200 से 3600 के आसपास कोई पीक ही नहीं है, खाली है, है ना, 3000 के आसपास एक पीक है, वो तो हो सकती है किसकी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो जब OH वाली पीक ही नहीं है तो क्या ये मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें, नहीं हो सकता। कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। यही केस है किसका, N2 का, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल, सो देयर इज नो डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसलिए वो बन गए IR इनएक्टिव। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड दैट इज ऑल अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी।